बीसीसीआई जल्द ही टीम इंडिया के नए हेड कोच की घोषणा करने वाला है। इस पोस्ट के लिए गौतम गंभीर और डब्ल्यू वी रमन का इंटरव्यू लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम गंभीर का हेड कोच बनना लगभग तय है, लेकिन सैलरी को लेकर अभी भी बात चल रही है। बीसीसीआई भारत और श्रीलंका सीरीज से पहले हेड कोच की घोषणा कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गौतम गंभीर का हेड कोच बनना लगभग तय है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट में देरी हो रही है। इसका कारण सैलरी है। गंभीर फिलहाल बीसीसीआई के साथ सैलरी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जब सहमति बन जाएगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। हेड कोच राहुल द्रविड़ को पिछले कार्यकाल में बतौर फीस करीब 10 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे थे। वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ उनका टेन्योर खत्म हो गया। अब गौतम गंभीर को क्या सैलरी मिलती है ये देखना होगा। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर जाना है। इस दौरे से ठीक पहले हेड कोच की घोषणा हो सकती है। बीसीसीआई सपोर्ट स्टाफ के लिए भी जल्द ही एप्लीकेशन मांगेगी। टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, बॉलिंग कोच पारस मांबरे और फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बोर्ड अब जल्द ही कोच की मदद के लिए सपोर्टिंग स्टाफ चुने जाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अपने सहयोगी स्टाफ चुनने के लिए गौतम गंभीर को पूरी आजादी होगी और वो इसके लिए अपनी मनपसंद टीम भी चुन पाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार संभव है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए कोई बल्लेबाजी कोच का चयन न करें, क्योंकि गंभीर खुद एक भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज रहे जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सफलता हासिल की है। हालांकि राहुल द्रविड़ भी अपने दौर के महान बल्लेबाज में शुमार थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने बैटिंग कोच के रूप में विक्रम राठौड़ को अपने साथ रखा था। हेड कोच राहुल द्रविड़ भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए ही टीम इंडिया के साथ थे और अब भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जहां पर वीवीएस लक्ष्मण कोचिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया को नया हेड कोच मिल जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 28 और तीसरा मैच 30 जुलाई को है। इसके बाद 2 से 7 अगस्त तक 3 मैचों की वनडे सीरीज है। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, जबकि केएल राहुल या हार्दिक पांड्या में से किसी एक को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।